जी भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष गंगापास यशवनी दुबे जी, जिला अध्यक्ष यमुनापास श्री विभवनाथ भारती जी, महानगर अध्यक्ष श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी गण, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रयागराज के हमारे सभी प्रबुद्ध जन, अधिवक्ता, शिक्षक, चिकित्सक, उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हुए सभी उपस्थित प्रबुद्ध जन भाइयों बहनों, प्रयागराज की धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, तीर्थराज प्रयाग संपूर्ण भारतवासियों की आस्था का प्रतीक है। तीर्थराज प्रयाग की जब हम बात करते हैं तो इस सृष्टि की उस धरा की कल्पना सामने आ जाती है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने रचा हो, और आज भी द्वादश माधव तीर्थराज प्रयाग की शोभा बढ़ा करके इसे तीर्थों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। जब कुंभ की बात आती है तो सबका ध्यान प्रयागराज की तरफ सोना ही जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अक्टूबर 2018 में प्रयागराज कुंभ के ठीक पहले प्रयागराज को उसका पुरातन नाम, पौराणिक नाम प्रदान करने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने सभी सहयोगी मंत्रियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रयागराज के आप सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि विगत विधानसभा चुनाव में आपने प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी को अपना जो समर्थन किया, आशीर्वाद किया, आज उसके परिणाम स्वरूप डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर फिर से कार्य कर रही है, और आज इसी का परिणाम है कि 1295 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के आगे मंच फिर से प्रयागराज के पास आया है कि कबीरम मुक्तो गोविंदा तुभ्यम एव सहाय।
सबको इसी बात का एहसास कराने के लिए आया हूं कि प्रयागराज का कुंभ 2025 में फिर होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, जिस सुव्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता के लिए प्रयागराज कुंभ जाना जाता है, जाना गया 2019 में, इस परंपरा को और भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आज मैंने दोनों डिप्टी सीएम नंदी जी, हमारे सभी माननीय सांसद विधायक और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव डीजीपी समेत सभी अधिकारी प्रयागराज पहुंचे हैं, जिससे 2025 की एक बेहतरीन परिकल्पना को साकार करने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पों के अनुरूप 2025 के महाकुंभ के आयोजन को हम लोग प्रयागराज की भावना के रूप यहाँ पर लागू कर सके, उसका क्रियान्वयन कर सके। आप भाइयों बहनों, प्रयागराज से जुड़ी हुई अनेक परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण होगा, जिनमें नगर निगम के कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पर एक एमएसएल की लैब का उद्घाटन भी हो रहा है, यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज, आईटीआई और तमाम अन्य स्वास्थ्य से संबंधित, पशु चिकित्सा से संबंधित, नगर विकास से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित, खेली कल्याण से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही पेयजल की स्कीम के भी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को भी आज यहाँ पर एक साथ 1295 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं को आज हम सब यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण के साथ जोड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 2019 में बना प्रयागराज का ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रयागराज कुंभ को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम प्रयागराज के अंदर संपन्न हुए हैं और वे संपन्न कराया जा रहा है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरी हो रही है, ऐसे ही भाइयों बहनों, हम लोग अमृत योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जो लोग बचे हुए परिवार हैं, उन लोगों को भी शुद्ध पेयजल के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये सरकार आम जनमानस की सुविधा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है और अगर हमें डबल इंजन की सरकार तब अपनी कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में आगे सफलतापूर्वक उन्हें पढ़ाने में सफल होती है, तब जब उनके साथ स्थानीय निकाय की संस्थाओं का योगदान भी उसी तत्परता और निगत के साथ होता है। आपने देखा होगा 2019 का नगर निगम में हमारा बोर्ड था, प्रदेश और केंद्र ने सरकारें की, उसे हमें लागू करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, हर गरीब को आवास की सुविधा, हर गरीब को शौचालय की सुविधा, हर गरीब को विद्युत कनेक्शन की सुविधा, हर गरीब को उज्ज्वला योजना की सुविधा, हर स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। और साथ साथ भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि तमाम योजनाओं को तक पहुंचाने में भी जहां मदद मिली, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। आज प्रयागराज न केवल
देखा होगा जो माफिया पहले प्रयागराज को कैद करके बंधक बना करके यहां की विकास की परियोजनाओं में बैरियर बनते थे, आज एक माफिया किस कलर करा रहे हैं, आज सरकार उनकी संपत्ति को जब्त करती है और गरीबों के लिए आवासीय सुविधा वहां पर बनाने का कार्य भी करती है। आने वाले समय में सरकार का एक कार्यक्रम भी चलेगा मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रयागराज में लाखों नौजवान अपने कैरियर को संवारने के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़े रहते हैं। अभ्युदय योजना सरकार की उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए आपके लिए तैयार की गई है। मुझे याद है जब लॉकडाउन लगा था कोरोना कालखंड में, मुझे उस समय लगभग 15,000 युवाओं को प्रयागराज से उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ी थी और तब हम लोगों ने कहा था कि प्रयागराज के नौजवान हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान, उनके लिए उनके कैरियर काउंसलिंग के लिए सरकार एक अच्छी सुविधा देगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था